स्वागत है आपका हमारे यहाँ पे सीएनसी मशीन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। हमारे यहाँ पे क्या है, सीएनसी मशीन पे ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें ऑपरेटिंग का भी कंप्लीट रहता है और प्रोग्रामिंग का भी कंप्लीट रहता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारा सिलेबस रहता है। अभी हम इनकी वीडियोज बना रहे हैं प्रोसेसेस की स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ट्रेनिंग किस तरह से रहता है बेसिकली, ठीक है। जनरली क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लोग सीएनसी सीखना चाहते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, जहाँ जाते हैं तो वो सिमुलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं उन पर सीख लेते हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो उन्हें काम करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इवन जॉब लगने के जो चांसेज होते हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं, बिकॉज जब इंडस्ट्री में जाओगे तो वो तो आप मशीन ऑपरेट करवा के देखने वाले हैं, राइट। तो हमारे यहाँ पे क्या है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की बजाय मशीन पे ही ट्रेनिंग देंगे हम आपको, मशीन पे ही ऑपरेटिंग करवाएंगे, प्रोग्रामिंग सिखाएंगे और आपसे ही ऑपरेशन करवा के देखेंगे, चाहे वो ड्रिलिंग है, चाहे वो बोरिंग है, वो टर्निंग है, वो थ्रेडिंग है, हर तरह का ऑपरेशन रहता है। सो दैट जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट। तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग का रहता है सीएनसी मशीन पे, ओके। तो अगर आप चाहो तो आप हमारे यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो और प्रैक्टिकली सीखने का चांस ले सकते हो, राइट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे बोरिंग टूल का, हमने ऑफसेट कैसे लेना है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें हमने बताया था यू ड्रिल का हमने सेंटर कैसे लेना है, ठीक है, और मतलब ऑफसेट कैसे लेना है। आज हम बताएंगे कि बोरिंग बार का कैसे लेना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ जी इधर लेके आओ, जो भी हमारा वर्कपीस है उसके अंदर पहले हमने ड्रिल करना है, राइट। क्योंकि जो बोरिंग बार है ऑटोमेटिकली तभी हम ऑफसेट लेंगे कि उसका जब ड्रिल होगा उसके अंदर। तो ड्रिल होने के बाद जिस बोरिंग से हमने इसका ऑफसेट लेना है वो हमारे यहाँ सामने होनी चाहिए, जैसे अभी ये है इसके हिसाब से मेरी ये बोरिंग बार जो है सफिशियंट है, ओके। तो वो अपने सामने होनी चाहिए वर्क पोर्शन, अगर नहीं भी है तो उसको MDI में जाके टूल कॉल भी कर सकते हो या मैनुअली टरेट को रोटेट भी कर सकते हो जॉग में जाके, ठीक है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मैंने वीडियो में बता रखा है MDI कैसे यूज करना है, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी हमने ऑफसेट लेना है, अगर हम मान लो नए सिरे से स्टार्ट करें, मशीन हमने चालू की, तो सबसे पहले हमें इसको रेफरेंस करने का रहता है मशीन को, ये रेफरेंस मोड पे करना होता है, फिर X+ और Z+ का बटन दबाना रहता है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको लाना है हमने जॉग मोड पे, सॉरी जॉग मोड पे नहीं लेके आना, अभी हम प्रेशर हैं तो प्रेशर के लिए हमने ये हैंड व्हील यूज करना है, ठीक है। अभी मैं जॉग का क्यों मना कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जॉग पे क्लिक किया तो उससे क्या होता है, हम बटन प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, ये देखो ये स्लाइड आगे आएगी। अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटक गया और ये आगे चलती रही तो एक्सीडेंट का चांस यहीं से क्रिएट हो सकता है। तो इस करके मेरी एडवाइज ये है फ्रेशर के लिए, इसको पहले हैंड व्हील से चलाना है अपने को, ठीक है। और ट्राई करना, अगर कोई मान लो ऑपरेटर हो CNC मशीन का और वो ये वीडियो अगर देख रहा है, अगर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए तो अपनी इंडस्ट्री में अपने वहाँ इसका ट्रायल लेना है, राइट। अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो ट्रायल नहीं लेना, ओके। सो X100 किया मैंने, उसके बाद मैंने इसको डायरेक्शन बतानी है और इसको मैंने लेके आना है। जब तक टूल कंपोनेंट से दूर है तब तक हम इसकी स्पीड प्लस रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो नज़दीक हो जाए, जैसे ये नज़दीक हो गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो इसकी स्पीड है वो X100 की बजाय X10 पे कर दूँगा, राइट। नाउ अब मैं यहाँ X पे क्लिक करता हूँ, इसको डायरेक्शन देता हूँ, ये लेके आया मैं। अब मेरे को लगा ये लगभग सेंटर में आ गया है तो मैं Z पे जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखना है, जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा आगे है, थोड़ा मेरे को पीछे लाना पड़ेगा, बिकॉज डाया छोटा है तो इस करके बोरिंग बार भी छोटी है, इस करके अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सोच समझ के अपने को एक्शन लेना है। अब क्या करना है, ये देखो मेरा टूल अंदर गया, एक बार के लिए इसको फ्रीली अपने रोटेट करके देख लेंगे कि कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, ठीक है। अगर हमें लग रहा है डिस्टर्बेंस नहीं है कहीं पे, तो हमने अब X को नहीं छेड़ना, Z डायरेक्शन में टूल को बाहर ले आना है,
और स्पिंडल को स्टार्ट कर देना है इस बटन से। स्पिंडल स्टार्ट मैंने कर दिया इस बटन से। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जेड को ले आए अंदर। अब यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ये चीज़ें वैसे प्रैक्टिकल से ही आती हैं, ठीक है, फिर भी आप वीडियो देख रहे हो, मैं जो चीज़ कंसंट्रेशन की होती है वो मैं बार बार रिपीट करूँगा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको एक्स का बटन दबाना है, ये माइनस में लाना है या प्लस में लेके जाना है, इसी का ध्यान रखना। अगर आप माइनस में लाओगे तो क्या होगा, अपना ये जो होल्डर है वो इस साइड आएगा, इस साइड आएगा तो ये बोरिंग बार टकरा जाएगी अपने कंपोनेंट से, जो कि गलत है। अपने को तो इसका जो टूल है वो टच कराना है, तो क्या करना है, इसको प्लस पोजिशन में लेके जाना है, तो एक्स पे होना चाहिए और हैंड व्हील से अपने को इसको यूं प्लस में लेके जाएंगे, धीरे धीरे ले जाना है, इसमें ज़्यादा जल्दी नहीं दिखाने, बिकॉज इसके अंदर से आपको दिखाई नहीं दे रहा, राइट। तो जब दिखाई नहीं दे रहा एकदम से लेके जाएंगे तो एक्सीडेंट का चांस बन सकता है, आराम से लेके जाना है, क्योंकि आपको वन टाइम ही करना है। जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली वो साइकिल चलने ही वाला है, राइट। तो अभी हम इसका जैसे ये टच करवाएंगे तो इसकी साउंड में भी फ़र्क आ जाएगा, मतलब आवाज़ आएगी इसकी साउंड की, ठीक है। देखो वो टच कर गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा और, ये देखो इसका साउंड बढ़ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जेड पे क्लिक करूँगा और इस हैंड व्हील को मैं प्लस डायरेक्शन में ही रोटेट करूँगा, बाहर ले आऊँगा। यहाँ लाने के बाद हमने इसका डाया मेजर करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ और एक बार के लिए यहाँ ले आता हूँ और स्पिंडल को कर देते हैं बंद। स्पिंडल बंद करने के बाद हमने क्या करना है, वर्नियर ट्राई करना कि एक्यूरेट हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसका डायल लेता हूँ, तो इसका डायल आ रहा है 16.8, राइट। तो 16.8 का डायल आ रहा है इसका, सिर्फ हमने क्या करना है, ऑफसेट पे जाना है, टूल नंबर हमने देखा है 3 है ये, तो 3 पे आना है, और ये हमने एक्स डायरेक्शन में इस पर टचिंग ली है तो एक्स पे आना है, और यहाँ पे आके हमने क्या करना है, एक्स 16.8 था ना, हाँ 16.8, और इसको मेजर कर देना है। जैसे मेजर करेंगे आप यहाँ देखना इसकी वैल्यू चेंज होगी, थोड़ा जूम कर दो इसको, हाँ ये देखो ये चेंज होगी। बस इतना करना है एक्स के लिए, और जब जेड की टचिंग लेनी है तो हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ही था, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको वो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, जेड डायरेक्शन में आगे वापस लेके आना है। अब हम इसको लेके जाएंगे इसके डाया पे, इसके अंदर नहीं लेके जाना, इसके फेस पे लेके आना है। तो इसके फेस पे लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स पे क्लिक करेंगे और प्लस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, फिर जेड पे क्लिक करेंगे और इसका स्पीड कम कर देंगे, ठीक है। स्पीड कम करने के बाद ये जेड पे होने के बाद हम इसको लेके आएंगे, तो एक पेपर लेंगे, हम पेपर इसके अंदर डालेंगे यूँ, और यहाँ से इसको आगे करना स्टार्ट कर देंगे। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा पहले आगे कर लेता हूँ, ठीक है। यूँ इसको पेपर को क्या है, हम स्लाइड करते रहेंगे, जब ये इसे टच कर जाएगा तो क्या होगा, इसकी स्लाइडिंग बंद हो जाएगी, तो धीरे धीरे इसको आगे लेके आना है। अभी देखो ये इसकी स्लाइडिंग बंद हो गई है और मैं इसको खींचता हूँ, तो ये देखो पेपर फट गया है, ठीक है। अब इसी पोजिशन पर हमने जेड को नहीं छेड़ना, खाली इसी 3 नंबर में हमने यहाँ से यहाँ पे आना है, राइट। अब हमने इसमें क्या करना है, जेड 0 मेजर, ओके। अब हम इस जेड को छेड़ सकते हैं, तो अब हमने क्या करना है, एक्स 10 पे है, जेड पे है, इसको प्लस में रोटेट करना है, कौन से में करना है, प्लस में,
माइनस में नहीं करना। अब ये थोड़ा सा पीछे हो गया है, चाहो तो इसकी स्पीड बढ़ा दो, जल्दी जाएगा। चाहो अब इसको पीछे लेके जाना है तो रेफरेंस पे क्लिक करो, मोड सिलेक्शन को रेफरेंस पे लेके आओ और यहाँ से एक्स प्लस और जेड प्लस का बटन दबा दो। ये देखो ये रेफरेंस पे चला जाएगा, राइट। सो आज हमने सीखा कि जो बोरिंग टूल होता है उससे हमने ऑफसेट कैसे सेट करना है। ओके, तो इस तरह हम हर एक प्रोसेस की वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे, ठीक है। लेकिन बेटर यही रहेगा, अगर आप सीखना चाहते हो और इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप प्रैक्टिकली आके आप यहाँ पे सीखो और उसको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखो तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत अच्छी है कि हमारे पास मशीन है सिखाने के लिए, मतलब सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, और हर तरह की चीज़ें यहाँ पॉसिबल हैं, लाइक पेन ड्राइव से प्रोग्राम कॉपी कैसे करना है, मेमोरी कार्ड से कॉपी कैसे करना है, ठीक है, लैन केबल का यूज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें थियोरेटिकली ना पढ़ के आप प्रैक्टिकली इस पर कर सकते हो, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। क्योंकि इंडस्ट्री में जाओगे, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं आने वाला, वो काम आने वाला है कि प्रैक्टिकली आपने क्या उस पर बनाया, आपको कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं, आपने कौन कौन सा साइकिल बनाया है, अगर मैं आपको जॉब दे दूँ तो आप कौन सा टूल यूज करोगे। ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, जब अपने प्रैक्टिकल काम करते हैं तो सीखने को मिलती हैं। तो एक साइकिल की तरह है कि साइकिल खाली देखने से नहीं आएगी, साइकिल अपने को एक बार तो बैठना पड़ेगा, एक बार बैठेंगे दो बार तीन बार कॉन्फिडेंस आएगा, जब अच्छे से चलानी आ जाएगी तो अपने उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो सेम ये मशीन इस तरह से हमने सीखनी है। ओके, तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है और आप यहाँ आके भी सीख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो अगर तो हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो अपने जो नॉन है इंडस्ट्री लाइन में, अगर आप जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, इवन ITI कर रहे हो या फिर 10th या प्लस टू या BA या ग्रेजुएशन कुछ भी है और टेक्निकल लाइन में एंटर कर रहे हो, तो ये वीडियो खुद से भी देखो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ओके, आपके साथ साथ उनको भी सीखने का मौका मिले। ओके, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। सो अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।